कुछ राजनेताओं का जिक्र हुआ कि इसी यूनिवर्सिटी से निकल करके किस प्रकार से भिन्न भिन्न स्थानों पर उन्होंने सेवाएं की है, लेकिन मैं आज अनुभव से कह सकता हूं आज हिंदुस्तान का शायद ही कोई राज्य ऐसा होगा जहां सिविल सर्विस का नेतृत्व करने वाले पहले 5 लोगों में बिहार की पटना यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी न हो, ये हो नहीं सकता। इन दिनों में भारत सरकार में राज्यों से आए हुए हर छोटे मोटे अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर रहा हूं। डेली 80-90-100 लोगों से बात करने के लिए बैठता हूं, 1.5-2 घंटे बातचीत करता हूं और मैं अनुभव करता हूं कि उसमें सबसे बड़ा बल्क बिहार का होता है। एक प्रकार से बिहार ने सरस्वती की उपासना में अपने आप को खपा दिया है, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। अब हमें सरस्वती और लक्ष्मी दोनों को साथ साथ चलाना है। बिहार के पास सरस्वती की कृपा है, बिहार के पास लक्ष्मी की कृपा भी बन सकती है, और इसलिए भारत सरकार की सोच ये सरस्वती और लक्ष्मी का मिलन करते हुए बिहार को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। और मुझे विश्वास है नीतीश जी का जो कमिटमेंट है, बिहार के विकास के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है, और भारत सरकार पूर्वी भारत के विकास के लिए संकल्पबद्ध है, ये दोनों अवधारणाएं 2022 जब देश आजादी के 75 साल मनाए तो मेरा बिहार राज्य भी हिंदुस्तान के समृद्ध राज्यों की बराबरी में आकर खड़ा रहे, उस संकल्प लेकर के आगे बढ़ना है।